Hello everyone, I am Saveri Sargam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. I have done my graduation from SRCC, master's from CESP JNU, and for the past 1 year I have been working with ISI Delhi. I am sure that most of you know what is the importance of hard work to crack any exam, but this exam requires a little bit more than your hard work. You need smart work with your hard work so that you could crack this exam very efficiently and strategically. So let's get into the video. Coming on to your smart work part, you should know there are two most important things to remember in this exam. Firstly, you should know which is your most important subject in this exam. Nextly, you need to know what is the most important topics from that most important subject. So starting with your microeconomics, microeconomics ke topic mein se 32 marks ka question paper ban jata hai. Paper 2, as you know, 200 marks ka paper hai, usme se 32 मार्क्स आपको माइक्रो में से आ रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक में से आपका मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बैड गुड्स, इंफीरियर गुड्स, वेबल गुड्स, गिफन गुड्स, ये सारे इनकी डेफिनेशन, इनके आसपास के कॉन्सेप्ट्स की इलास्टिसिटीज़ क्या है, इनका डिमांड कर्व कैसे दिखता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करके जाने चाहिए. नेक्स्टली, आपके कॉस्ट वाले पार्ट में से आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ऑल्सो आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. इसके बाद आपका जो जनरल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, इसमें आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी, सबके आईएसओ कॉस्ट, आईएसओ इंडिफरेंस कर्व्स, इन सबके कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्टली, आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है उसमें से हर टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, हर के इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्टली, आपको वेलफेयर वाले टॉपिक में से परेटो ऑप्टिमैलिटी का टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए. सो ये तो बात हो गई माइक्रो की. कमिंग ऑन टू मैक्रो पार्ट, मैक्रो का भी जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो फॉर 32 मार्क्स. 32 मार्क्स में से क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कीन्जियन थ्योरीज, कीन्जियन थ्योरी के बाद ISLM कर्व, और उसके साथ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के जितने आपके कंसेप्ट हैं, फिलिप्स कर्व, ओकुन लॉ, ये सारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इनको कवर करके जाएंगे तो आपका एक मैक्रो का सबसे जो बड़े वाला चंक है वो कवर हो जाएगा. एंड दीज टू सब्जेक्ट्स मेक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर होल एग्जाम. 64 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इसमें से बनता है. सो 200 मार्क्स में से आपका 64 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में से बनता है. इफ़ यू आर एमिंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, नेट का आपको सिर्फ क्वालिफाइंग पार्ट ही कवर करना है, तो आपको 125 मार्क्स चाहिए होंगे राउंड अबाउट. इफ़ यू आर एमिंग एट 70 मार्क्स इन योर पेपर वन, तो 125 मार्क्स में से आधे तो आपके माइक्रो और मैक्रो ही हो गए. नेक्स्टली, यू हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में से आपके 7 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट बिकम्स योर 14 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर. उसमें से भी डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ऑल्सो अगेन यू शुड नो कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरीज दी हैं. ये आपको मैक्रो में, माइक्रो में, ग्रोथ थ्योरीज में और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, चारों में आपको पता होना चाहिए कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने आपको कौन सी थ्योरी दी है. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने किस टाइम में ये थ्योरी दी है, बिकॉज यू गेट क्वेश्चंस ऑन योर मेमोरी एग्जाम ऑल्सो. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का तरीका ही ये है कि यू नीड टू मेक योर नोट्स लाइक दैट ओनली, कि आप इकोनॉमिस्ट का थ्योरी पढ़ें, उनके कंसेप्ट्स पढ़ें और उनका टाइम नोट करें और ये किसने दिए हैं, तभी आप मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे. क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी आप इसी से कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी है. सो नेक्स्टली, यू हैव ग्रोथ का टॉपिक. ग्रोथ के टॉपिक में से 18 से 24 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है,
दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चंक इस एग्ज़ाम के लिए. थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. विशियस सर्कल पॉवर्टी के जितने कंसेप्ट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. और अगेन कि कौन सी थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. इस पार्ट को ज़रूर याद करके जाए. नेक्स्टली यू हैव योर डेवलपमेंट टॉपिक. डेवलपमेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल इको एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में से आपको जो डेमोग्राफीज वाला, पॉपुलेशन डेमोग्राफी वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक में से 6 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं. कमिंग ऑन टू योर मनी फाइनेंस एंड NIA पार्ट, NIA नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि मनी के डिटरमिनेंट्स क्या हैं, आपका नेशनल इनकम का डिटरमिनेंट्स क्या है. इसमें से भी आपके 6 से 10 नंबर का एक पार्ट बन जाता है और आप बहुत कम इनपुट देके, इफ़ यू गिव जस्ट 2 आवर्स फॉर दिस टॉपिक, आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है और इसमें से आप 10 नंबर का पार्ट क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव इंडियन इको. इंडियन इको से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं. इट मेक्स 22 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर. उसको कवर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने जो रिसेंट टाइप की बजट है, जो मोस्ट लेटेस्ट आपका बजट है, उसमें कौन कौन सी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स दी गई हैं आप उनको रिवाइज कर लीजिए. एक तो वो इकोनॉमिक स्कीम्स होंगी जो बजट में डिस्कस की होंगी, तो आपको बहुत जल्दी और एक बहुत स्पेसिफिक सोर्स से, गवर्नमेंट के सोर्स से आपको याद हो जाती हैं वो कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या चल रही हैं. नेक्स्टली आप ये ध्यान रखो इंडियन इको में कि बहुत सारा पुराना हर प्लान में क्या चल रहा है नहीं आपसे पूछेंगे, क्योंकि MCQ है, थोड़ा आप गेस वर्क भी कर लोगे, लेकिन रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि हर 5 ईयर प्लान में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. तो आप ये वाला टॉपिक ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्टली यू हैव योर पब्लिक इकोनॉमिक्स टॉपिक. पब्लिक इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पब्लिक गुड्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरीज़ क्या हैं. जो सोशल एडवांटेज की जो थ्योरीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए और उसका एक अगेन आपको इकोनॉमिस्ट पता होने चाहिए उसके लिए. इसमें से भी 18 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है. नेक्स्ट इज़ योर मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट. इसमें से अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू शुड नो कि इसमें से 4 या 6 मार्क्स का ही आता है. अगर आपकी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है सो यू कुड स्किप दिस पार्ट. एंड इफ़ यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम आई वुड सजेस्ट यू कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है सिर्फ वही प्रिपेयर करके चले जाएँ, तो आपका मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है. क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में तो सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए भी दिया हुआ था. सो इफ़ यू आर जस्ट डूइंग दैट वन पार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स टू कम्प्लीट दिस टॉपिक. सो यू वुड बी एबल टू गेट 6 मार्क्स आउट ऑफ दैट, अराउंड 6 मार्क्स आउट ऑफ दिस. लास्टली यू हैव योर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनमेट्रिक्स पार्ट. स्टैटिस्टिक्स और इकोनमेट्रिक्स पार्ट में से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन इकोनमेट्रिक्स. इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कोई और स्पेशल, मैं इसके लिए अलग से कुछ पढ़ना शुरू कर दूँ और मैं इसको 20-25 दिन दूँ, ज़रूरत नहीं है. अगर आपका एम ये UGC नेट ही है तो आप इस टॉपिक को या तो स्किप कर सकते हैं या तो आप वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, एवरेजेस के टॉपिक और सैम्पलिंग कैसे क्या होती है और उनकी कितनी तरीके की टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सिर्फ ये वाला टॉपिक भी करके चल जाते तो एक आप गेस वर्क तो कर ही पाएंगे. बट यू इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस कि ये टॉपिक मुझसे प्रिपेयर नहीं होगा तो इट्स ओके, आप इकोनॉमेट्रिक्स के टॉपिक को छोड़ के भी जा सकते हैं. उसी तरह आप MMA के टॉपिक को भी छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. बट यू नीड टू नो कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, वही आपका बिगेस्ट चंक बनाता है इस एग्ज़ाम के लिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.